मुर्तजा फ्रॉम एच ए डिजिटल टीवी. आप सबको पता है सी पैक चॉइस अवार्ड्स आ रहे हैं टोरंटो में और बहुत ही एक्साइटमेंट फैली हुई है इसकी. इस सिलसिले में आज मैं आई हूँ सबसे बातचीत करने की, ये क्या हो रहा है और कब होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर कमिंग. यू आर मोस्ट वेलकम. आप करना से मुझे बताएंगे कि ये जो अवार्ड्स आ रहे हैं ये कब हो रहे हैं. ये 13th अप्रैल को होने जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम इन टोरंटो चॉइस अवार्ड्स हो रहे हैं, जो कि इसकी नॉमिनेशन और इसके बाद जो अवार्ड विनर होगा वो सब पब्लिक चॉइस से होंगे, लोगों के वोट्स के साथ. ठीक है. और कई लोगों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है, कहीं कोई फेवरेटिज्म तो नहीं है, क्या ऐसा कुछ है. हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी वोटिंग का एक्सेस मुझे भी नहीं है और हमारे ये जो बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं इनमें से किसी को भी नहीं. हम जो वर्किंग कमेटी 8 बंदों की है, ना वो अपने आप को नॉमिनेट करा सकते हैं, ना वो वोट डाल सकते हैं और ना ही वो कोई अवार्ड ले सकते हैं. ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये जितने वोट होंगे आखिरी दिन लिफाफा हेड ऑफिस मॉन्ट्रियल से ही आएगा और वहीं से फिर वो जो हमारे डिग्निटरी होंगे हमसे पहले वो खोल के बोलेंगे तो वी विल कम टू नो कि कैसे. राइट. मतलब ये कम्प्लीटली सेव है और आप सब वोट कर सकते हैं. नॉमिनेशन कैटेगरीज हैं बिजनेस ऑफ द ईयर, बिजनेस एक्सीलेंस एंड इसके अलावा और बहुत सी हैं. ये आप जा सकते हैं, कहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं. ये cpact.ca पे जाएं, cpact.ca तो ये हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अगर आपने वोट करना है और कैटेगरीज देखनी है तो स्लैश वोट कर दें, cpact.ca/vote. आपके सामने ऑल 29 कैटेगरीज आ जाएंगी और 30th कैटेगरी जो हमारी है वो उन लोगों के लिए जो हमें इस में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हम एक स्पेशल शील्ड बनवा रहे हैं. और अवार्ड सिर्फ उसको मिलेगा जिसने पब्लिक से वोट लिया होगा. right. और जिसको लोगों ने वोट किया होगा ओनली ही विल गेट अवार्ड. बिल्कुल सही. और हमारे साथ है सेक्रेटरी सी पैक मंशा रशीद. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम. कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. आप मुझे बताइए कि ये जो अवार्ड हैं ये कब हो रहे हैं. ये 13 अप्रैल को हो रहे हैं. 13th अप्रैल को. 13th अप्रैल वुडबाइन हॉल में हो रहे हैं. अच्छा, इसका वेन्यू वुडबाइन हॉल में ये हो रहा है. और इसका वोटिंग सिस्टम क्या है. इसका वोटिंग सिस्टम बहुत सिंपल है. आप www.cpact.ca/vote पे वोट लिखे, वहां जाएंगे तो आपके सामने कैटेगरीज आ जाएंगी. जैसे ही आप कैटेगरी खोलोगे, हर एक कैटेगरी के अंदर 5 नॉमिनीज हैं, तो आप उनमें से 5 नॉमिनीज में एक को क्लिक करोगे, जो भी आप सोचते हो डिजर्विंग है, जिसके बारे में आप जानते हो या उसकी बैकग्राउंड आप जानते हो, तो उसको आप वोट करोगे. जैसे आप उसको वोट करोगे तो उसका नीचे नंबर आएगा. नंबर आने से उसका नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 000. आप 000 डालेंगे तो उसको वोट हो जाएगा. जैसे उसको वोट होगा, वो वोट आपको इंस्टेंट मैसेज आएगा सीपैक्ट की तरफ से कि आपका वोट रजिस्टर्ड हो गया. अगर आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं हुआ इन केस आप वापस ट्राई, अगर आपको मैसेज नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो आपका वोट रजिस्टर्ड नहीं हुआ. ये बात आप नोट कर लीजिए. अगर आप किसी को भी वोट कर रहे हैं तो कंफर्मेशन मैसेज का जरूर वेट कीजिए. अगर वो नहीं आया इट मींस आपका वोट कास्ट नहीं हुआ. राइट. तो सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज. जी, मेरा नाम जो है मोहम्मद इम्तियाज है और मैं सीपैक का टोरंटो चैप्टर के साथ जो है फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ. और साथ ही जो सीपैक की दूसरी सिस्टर कंसर्न कंपनी है PSC, तो उसमें जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ. और जो है PSC पैक चॉइस अवार्ड जो है फर्स्ट टाइम टोरंटो में होने के लिए जा रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दिस प्रोग्राम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट देयर द पीपल विल कम एंड दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम इंशाल्लाह. डेफिनेटली इंशाल्लाह. जितनी आप सब मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह डेफिनेटली ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है. तो मुझे बताइए कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको. एक्चुअली इस वक्त जो है ना, क्योंकि इधर GTA में जो है ना इस टाइप का प्रोग्राम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है. इससे पहले जितनी भी कम्युनिटी में या यहाँ पे GTA में प्रोग्राम हुआ करते थे वो इस टाइप के नहीं थे. जो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से हुआ, जिन्होंने जो है ना कम्युनिटी के लिए ये सोचा कि भाई जो हमारी एक लैकिंग चल रही है तो उसको जो है इम्प्रूव कर सके, उन लोगों को जो है ना बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर सके. तो वी आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम हियर इन टोरंटो एंड स्पेशली हियर इन ऑल ऑफ द कनाडा. So there definitely some people that they don't like this type of the activities and they are liking it, they are not knowledge, that's because the first time they are
liking, and every day we are receiving a lot of call. People are calling us and they are asking about this Cpact award and history of the Cpact, what is stand for this and how they can get the benefit from this organization. So there we are receiving a lot of call every day. Nasir Saab and our all the team, we are getting the call, and there we are telling people that this is a business forum, and if they are coming on this forum, so they will get the benefit and they can flourish their business in future. So and this is our first effort, and we are working for this. The log jo hai na unko zyada benefit mile yahan pe, unko hum log guide kar sake, unko bata sake ki ji Canada mein jo hai na kis tarah se business establish kiya jata hai, bahut hi government jo hai wo kis tarah se jo hai na facilities provide kar rahi hai, kis tarah se un facilities ki information jo hai na hum logon tak provide kar sake taki wo yahan pe zyada se zyada jo hai na business ki taraf aaye, aur bajaye financial कंस्ट्रेंट में रहने के या प्रेशर में रहने के, तो अपना बिजनेस शुरू करें. तो वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस ताकि लोगों को जो है ना यहाँ पे अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन मिल सके. दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू सो मच. और हमारे साथ अभी सर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे. जी, मैं राशिद जवान, मैं आई एम द प्रेजिडेंट ऑफ Cpact. सो Cpact इज वेरी एक्साइटेड नाउ. अभी सब लोग ये जहाँ पे भी हम जाते हैं Cpact की बात करते हैं कि भाई Cpact अवार्ड हो रहे हैं. अब शुरू में कुछ लोगों के नॉमिनेशन हो गई, कुछ लोग रह गए. अब जो रह गए तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि हम क्यों रह गए. तो हमने बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हर साल हम ये इंशाल्लाह अवार्ड करेंगे. हाँ, तो अब अगर अब देखिए ये पहला अवार्ड है, कुछ लोग पसंद आया, कुछ लोग इसके ऊपर अपनी अपनी राय देंगे. तो जो भी राय देंगे हम उसको पॉजिटिवली देंगे, और हम उसको आज में चाहते हैं हम इसको इम्प्रूव करें. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव भी कर लेंगे. थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं Cpact का. Cpact बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे जो लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस तो है बैक होम का, लेकिन ये नहीं पता होता कि कैनेडा में बिजनेस कैसे करना है. और यार जो बैक होम से आते हैं उनका अपने बैक होम में अपना एक्सपीरियंस है, यहाँ उनको पता नहीं होता कि कैसे बिजनेस करना है. फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, अब जो बैक होम में उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यहाँ पे उसको आके बहुत सारी लाइसेंसिंग लेनी है, बहुत सारी चीजों में एजेंसी में अपना रजिस्टर करना है. तो Cpact प्रोवाइड है प्लेटफॉर्म के जहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सारे प्रोफेशनल हैं, लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, ग्रोसरीज प्रोवाइड. तो हमने सबको चांस दिया, एवरीबॉडी कम एंड ज्वाइन द पीएससी. तो सब लोग ऑलरेडी जो से हमने शुरू किया काफी लोग आपस में एक दूसरे से आप बिजनेस शुरू कर दिया. तो पीपल दे आर बेनिफिटिंग. तो ये इस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू नेटवर्क विद ईच अदर. तो मैं ये कहता हूँ कि इसको ज्वाइन करें ज्यादा ताकि आपको अपने बिजनेस की पॉपुलैरिटी मिले. और नंबर टू मैं ये कहूँगा कि जो लोग नॉमिनेट हो गए और जो विनर है, देखिए विनर तो जो होगा वो होगा, लेकिन जो नॉमिनेट भी होगा दिस इज आल्सो उसके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है, वो अपने उनका बिजनेस जो है उसको प्रमोशन मिलेगी. क्योंकि यहाँ टोरंटो में बहुत कंपटीशन है, और अगर कोई इसके अंदर नॉमिनेट ही हो गया तो ये बहुत बड़ा, दिस इज अ सक्सेस एंड मे बी गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर ही कैन बी अ विनर. तो ये कि हमने सबको चांस दिया है. अब इंशाल्लाह जो भी अनाउंस होगा बेनिफिट इसमें हम लोग किसी को नहीं पता. जैसे नासिर साहब ने कहा कि वहाँ पे हेड ऑफिस में जो हमारे लोग हैं उन्हीं को पता है कितनी वोटिंग हो रही है. We will know the same time when the winner will know. तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है. जैसे आप वोट करते हैं अगर आपको मैसेज नहीं है इसका मतलब देयर इज सम डिले, लाइन इज बिजी. तो दैट्स इज इट, दैट्स व्हाई. 100,000 वोट जो है वो इस वक्त तक जो है ना नॉमिनेट, तो वोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है. सब लोग अपने अपने जिन जो भी नॉमिनेट है वो अपने अपने लोगों का अपने अपने हम भी प्रमोट सपोर्टर हैं. और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्योंकि अब डेज बहुत कम रहते जा रहे हैं. ये हम रीना आपको बताएंगी कैसे इवेंट की जाए. वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताइए, आप बताइए कि इतनी बिजी थी आज जब मैं आई हूँ, आप फुल ऑन उसमें लगी हुई थी अवार्ड्स के सारे सिस्टम में. तो मुझे ये बताएं कि कितनी ज्यादा है, क्या सब चल रहा है, तैयारी कितनी हो चुकी है. तैयारी साथ साथ चल रही है. आपने देखे आपके आने पे हम लोग के कितने लोग बैठे हुए थे. Right. डेफिनेट अपने घर छोड़ के चीजें छोड़ के सब इसमें काम कर रहे हैं मिलके. कोई मिल्टन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और मैं भी सुबह से. सब लोग इसमें वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है. इंशाल्लाह ताला हमारे लिए अपना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अल्लाह करे ये अवार्ड बहुत अच्छे जाए, लोग इनको पसंद करें. क्योंकि टोरंटो में ये पहले नहीं हुआ था. हम लोग जैसे मैं एज अ पीएससी में एज अ प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ,
तो हमारा जैसे आपने देखा बीएससी के प्रोग्राम्स चल रहे थे उसमें हम लोगों का इवन एक बिजनेस भी था, बिजनेस का फॉर्म था हमारा, लेकिन जब नासिर ने इसको सीपैक को ज्वाइन किया तो हमें खुशी हुई कि चलो यार हम जैसे पीएससी में सब लोगों को लेके बैठते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों की हेल्प कर सके। बिल्कुल, इस तरह अगर हमें सीपैक में, मैंने यहाँ पे टोरंटो में देखा है कि सब लोग बहुत अच्छा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कोई किसी को समझाता नहीं है कि आपने बिजनेस कैसे करना है, क्या आप उसमें कैसे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर बंदे को मैंने देखा वो बस अपना घर चलाने के चक्कर में अपना, ठीक है, लेकिन अल्लाह करे और हम लोग जैसे ये सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि हमने कदम उठाया। और ये देखिए सीपैक भी आप लोगों के लिए, अगर देखा जाए ये बिजनेस हमने आप लोगों को दिया है कि और अब नेक्स्ट जो अवार्ड हो गए तो लोग इस अवार्ड को देख के अपने बिजनेस को और ज्यादा ऊपर लेके आएंगे, ज्यादा करेंगे कि देखिए जब आप वोटिंग लेने किस लिए वोटिंग लेने के लिए जाएंगे, जब आपका दूसरों के साथ ताल्लुक अच्छा होगा वो आपको तब वोट देंगे ना। तो आप अपना बिजनेस अगर अच्छा देंगे किसी को तो आपको वोट करेंगे कि यार ये बड़ा अच्छा इनका बिजनेस है, तो ऊपर आएगा आएगा। तो हम इसको देख के चल रहे आगे, आप लोगों की दुआएं चाहिए। और देखा जाए तो इन अवार्ड्स का फायदा भी है, जिस तरह आपने इतने ज्यादा फायदे इसके बताए कि अवार्ड्स के क्या फायदे हैं। बिल्कुल जी, तो आप इसे देखें कि आप पूरी टीम लेके यहाँ आई है और हमें आपने ऑफ गार्ड पकड़ लिया, हम मीटिंग में थे कैजुअली, वी आर सिटिंग विद यू, तो 24/7 हम मेहनत कर रहे हैं और ये इसी वजह से कर रहे हैं कि पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, पीपल आर लाइकिंग इट, जिस तरह लोग वोट कर रहे हैं और जिस तरह लोग हमें तो इसी से पता चलता है, हमें कॉल करते हैं, हमें बड़ी बड़ी कंपनीज ने मुझे कॉल किया कि हमारी नॉमिनेशन हो सकती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं अभी इस वक्त नहीं हो सकती, तो उसको क्योंकि इसकी एक डेडलाइन थी, डेडलाइन के बाद अभी वोटिंग का चल रहा है, वोटिंग भी कुछ दिन रह गए उसके बाद खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, लेकिन इस पब्लिक डिमांड पे मैंने स्पेशल परमिशन दी, बल्कि बोर्ड ने आज ही हमने इस मीटिंग में डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह 13 जून को सैटरडे को अवार्ड्स करेंगे और एक बहुत बड़े कन्वेंशन हॉल में बड़े पैमाने पे करेंगे। आज की लाइव में ये भी अनाउंस हो चुका है, आप ये जरूर देखिएगा। प्लीज वो नेक्स्ट ईयर जरूर अपने आप को लेके आए इस अवार्ड्स में, ताकि लेडीज भी ऊपर आए और हम आप लोगों के बिजनेस को भी लोगों को बताए कि आप लोग क्या, इवन अगर आप घर से भी काम कर रही है आप आए जरूर। बिल्कुल कौन किसी जगह से, और जब भी आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाती है जिसकी ऑलरेडी एक अच्छी ट्रैफिक बन चुकी है, आपके वहाँ पे दूसरे बिजनेस भी हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे है, तो वो आपस में एक नेटवर्किंग का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जो लोग अभी नॉमिनेट हुए हैं, देखे जीतना तो एक बंदे ने है लेकिन जो दूसरे लोग नॉमिनेट हुए हैं उन्होंने भी तो एफर्ट किए हैं ना, उन्होंने भी अपने एफर्ट किए हैं, उसके बाद उनकी जो है ना गूगल के अंदर रेटिंग भी अच्छी हो गई उनके बिजनेस की, क्योंकि लोग उनके बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें वोट करने से पहले उनके बारे में जानना चाहते हैं जी कि हम ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, तो हर बंदे को इंडिविजुअली, कंपनी को, एज ए कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी को इसका बेनिफिट मिलेगा और हम लोग अगर इकट्ठे होकर ये